ओवरड्राफ्ट बैंकों से मिलने वाली एक वित्तीय सुविधा है। इसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। बैंक अपने हिसाब से हर ग्राहक के लिए ओवरड्राफ्ट की एक सीमा तय करते हैं। ग्राहक इस तय सीमा तक ही पैसा निकाल सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए निकाले जाने वाले पैसों पर ब्याज लेते हैं। ग्राहक के वेतन की 3 गुना तक राशि ओडी के रूप में दी जा सकती है। यह अलग अलग देनदारों यानी बैंकों के हिसाब से अलग अलग होती है। ब्याज दर आपके चालू या बचत खाते में पड़े बैलेंस और संबंधित बैंक के साथ आपके रिश्तों पर निर्भर करता है। ओवरड्राफ्ट लोगों को बैंकों से मिलने वाली एक उपयोगी सुविधा है। खासकर व्यवसायियों के लिए यह काफी महत्व रखती है। इसकी मदद से वे अपने व्यवसाय के लिए जरूरत पड़ने पर बैंकों से पैसे ले सकते हैं। व्यवसायी किसी को भुगतान करने की जरूरत पड़ने पर अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट का चेक भी दे सकते हैं। ओडी के कई लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लाभ यह है कि इससे व्यवसाय के कैश फ्लो के प्रबंधन में मदद मिलती है। अगर तत्काल नकदी की जरूरत है तो वह पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है, ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, बैंकों को कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वही नुकसान यह है कि ब्याज दर ज्यादा है। यह सुविधा केवल उन ग्राहकों को मिलती है जिनके उस बैंक में अकाउंट है। ओडी की लिमिट आवेदक की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। ओडी पर नकदी तेजी से और आसानी से निकाली जा सकते हैं। पर्सनल लोन लेने में प्रक्रिया थोड़ी जटिल और लंबी है, साथ ही अच्छा सिबिल स्कोर होना भी जरूरी होता है। ऐसे में ओडी एक बेहतर विकल्प है, लेकिन ओडी का इस्तेमाल इमरजेंसी में या शॉर्ट टर्म के विकल्प के तौर पर ही करना चाहिए, क्योंकि बैंक आपसे रीपेमेंट के लिए कभी भी कह सकते हैं और ब्याज दर भी ज्यादा होती है।